दोस्तों ये सब तो हम जानते ही है कि सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के स्मार्टफोन्स में कम कीमत में बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों सैमसंग की ये एम सीरीज काफी पॉपुलर भी मानी जाती है, स्पेशली दोस्तों इंडिया में। मगर दोस्तों अब ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सैमसंग अपना एम सीरीज का नेक्स्ट स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एम 12 को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें दोस्तों हमें बड़ी यू डिजाइन वाली डिस्प्ले और 7000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है। जी हां दोस्तों, हम सबको अब बहुत ही जल्द सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एम 12 बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। तो फिर दोस्तों आज का ये वीडियो आप पूरा देखते रहिए, मैं बात करने वाला हूं इसी अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी एम 12 स्मार्टफोन के बारे में। तो हाय दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुदीन यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैमसंग अपना अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी एम 12 को इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है। और दोस्तों एक रिपोर्ट के द्वारा इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन भी सामने निकल कर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको एक 6.55 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिजाइन वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जो दोस्तों 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में आएगा। जहां दोस्तों इस फोन के डिस्प्ले में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करें इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 के रियर पैनल पर मिलने वाले कैमरा सेटअप की, तो दोस्तों स्मार्टफोन के रियर पैनल पर आपको 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें दोस्तों 48 MP का मेन प्राइमरी कैमरा, 5 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और उसी के साथ 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल सकता है। जबकि दोस्तों स्मार्टफोन में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी कैमरा के लिए 16 MP का यू डिजाइन वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 को परफॉर्मेंस देने के लिए इस फोन में भी आपको कंपनी का अपना खुद का एक्सिनोस 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो दोस्तों वन यू आई 2.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करेगा और ये लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 के मेन पार्ट यानी बैटरी पावर बैकअप की। तो दोस्तों एक रिपोर्ट में ये कंफर्म हुआ है कि इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 में आपको 7000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी एम 51 के बाद इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 में आपको 7000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमें सैमसंग गैलेक्सी एम 51 में 7000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिली थी। और दोस्तों अब एक रिपोर्ट में पता चला है कि इस अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी एम 12 में हमें 7000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में कितने वॉट का चार्जर होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है। कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए इस स्मार्टफोन में एयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डुअल 4G वोल्टी FM रेडियो, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और ब्लूटूथ जैसे नॉर्मली फीचर स्मार्टफोन में हमें देखने को आराम से मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करें इस सैमसंग गैलेक्सी एम 12 के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों स्मार्टफोन के प्राइस रेंज के बारे में तो अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि स्मार्टफोन की प्राइस 12 से 15 हज़ार के आसपास देखने को मिल सकती है। और दोस्तों हो सकता है कि यह स्मार्टफोन हमें दिसंबर के लास्ट या जनवरी की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। तो वैसे दोस्तों अब देखने वाली बात है कि सैमसंग इस स्मार्टफोन को कब और किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करता है और इस फोन में हमें कौन कौन से नए स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो बस दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और पास बेल को दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।